हेलो गाइस, कैसे आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे, तो आगे भी अच्छे ही रहना। तो गाइस, जैसे कि तुमने थंबनेल देख ही लिया होगा, तुम्हें पता भी चल गया होगा कि आज का जो वीडियो है वो किस टॉपिक पर है। तो आज का जो टॉपिक है वो है कि तुमको शॉर्ट रेंज में कौन सी गन चलानी चाहिए, क्योंकि कुछ बंदे कंफ्यूज थे और मुझसे पूछ रहे थे कि कौन सी गन चलाए, क्या M10 चलाए या MAG-7 या दो गोलियाँ जो नई शॉर्ट रेंज नहीं उसे चलाए। तो आज इस वाली वीडियो में तुम्हें सबसे सोल्यूशन मिलने वाले, तो बस जो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तो गाइस, सबसे पहले हम दो गोली की बात करेंगे, यानी M187 की। तो उससे पहले मैं बस इतना ही बताना चाहूँगा कि इसमें मैं तीन जो गन होती है, ठीक है, जो अपनी तीन गन है, जैसे कि M10, दो गोली और जो एक नई गन है, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद फिर हम लास्ट में कंक्लूजन निकालेंगे कि कौन सी गन तुमको चलानी चाहिए। तो सबसे पहले हम दो गोली के बारे में बोलते, तो जो जितने भी OB अपडेट आए, तो जितने भी OB अपडेट आए, तो मेरे को लगा कि दो गोली को इस बार ही पेला गया होगा। यानी दो गोली का तो कुछ सीन है नहीं, मतलब ना इसमें इंक्रीज़ किया गया है ना इसको डिक्रीज़ किया गया, मतलब जो दो गोली उससे बंदा मर रहा है दो गोली में, या तो तीन गोली मान के चल लो कि तीन गोली में बंदा मर ही जाता है। तो तुम ट्राई करके देख सकते हो दो गोली को, अगर तुम दो गोली अच्छा चलाते हो, तुम्हारी रिलोडिंग स्पीड भी अच्छी है कि तुम मतलब शॉर्ट में भी रिलोड करके बंदे को पेल सकते हो, तो तुम चला सकते हो दो गोली, क्योंकि दो गोली भी अभी मतलब अच्छी चल रही है। तीन लेवल के वेस्ट भी, अगर बंदे के पास तीन लेवल का वेस्ट भी तो फिर भी वो आराम से मर जा रहा है। तीन मतलब मैक्सिमम तीन गोली मान के चल लो, क्योंकि पहले ऐसा सीन होता था कि चार गोली मारनी पड़ती थी, पाँच गोली मारनी पड़ती थी तब मरता था, बट अभी जो सीन है कि बंदे मर जा रहे हैं दो गोली में। तो तुम ट्राई अभी कर सकते हो दो गोली को, एक्सट्रीम शॉर्ट और मिड रेंज के लिए भी अच्छी है दो गोली। और अगर तुमने दो गोली में मास्टरी हासिल कर ली, तो फिर तुम एक्सट्रीम शॉर्ट तुम बंदों का पेल सकते हो, ठीक है। तो गाइस, जैसे कि तुमको पता है कि जो अपने M10 है उसमें बहुत सारे चेंजेस कर चुके हैं, जैसे कि पहले उस पर चिप नहीं लगती थी, बट अब उस पर चिप लगने लगी है। तो चिप के साथ जो अपनी M10 गन है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो चुकी है। तो पहले सीन ऐसा होता था कि रिलोडिंग की प्रॉब्लम हो जाती थी और मतलब रेट ऑफ़ फायर थोड़ा कम था, ज़्यादा नहीं था। तो अब जो ऐसा सीन होगा कि जो M10 का रेट ऑफ़ फायर है तो वो भी बढ़ जाएगा। और अगर तुम टूर्नामेंट खेलते हो, तो टूर्नामेंट में तुम्हें पता है कि स्किन का कोई मायने रखता नहीं है। तो अगर किसी के पास, सामने वाले के पास अगर 7 लेवल की ड्रैगन M10 होगी, के मेरे को नाम नहीं पता अच्छे से, तो ऐसी कुछ अगर अच्छी स्किन होगी तो फिर भी कुछ काम आने वाला, जो भी काम आएगा ट्रिपल चिप काम आएगा और मतलब तुम्हारी स्किल्स काम आएगी, ठीक है। तो मैं ऐसा नहीं बोलूँगा ट्रिपल चिप से तुम बंदा मार ही दोगे, तो इसके लिए तुम्हें बहुत सारा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और अगर तुम मेरे तरह हो कि तुम्हारे हेडशॉट बहुत कम लगते हैं और दो गोली तुम चला नहीं पाते, तो तुम्हारे लिए M10 बहुत ही अच्छी गन है। और अगर उसके साथ ट्रिपल चिप लग गई, तो गाइस तुम बंदों की ले लोगे। तो गाइस, अब आती है अपने न्यू गन की बारी। तो जो अपनी न्यू गन है, तुम्हें पता ही है कि न्यू गन कौन सी है, वो जो इस पास की तरह चलती है और उसमें लॉन्चर का भी हम कर सकते हैं, लॉन्चर की तरह सेट भी उसको। तो मेरे को अभी भी नाम नहीं पता उस गन का, क्योंकि वो मेरे को बहुत ही ज़्यादा बेकार गन लगी, सच्ची बताओ। खुद का मेरा ओपिनियन जो है, ये नहीं बोलूँगा कि मेरे को बहुत अच्छी लगी, क्योंकि जब मैं शॉर्ट पे था, ठीक है, शॉर्ट पे जब मैं खेल रहा हूँ, तो एक तीन बार चल रही है गोली, उसका थोड़ा टाइम ले रही है। पूरा इस पास से सही गन है, बट मेरे को इतनी अच्छी नहीं लगी। तुम्हें अच्छी लग सकती है तो तुम वाली गन भी चला सकते हो, ठीक है, अगर चलाना चाहो, तुम्हारी मर्जी है। ये तो गाइस, जो न्यू गन है तुम ना ही चलाओ तो बेहतर रहेगा, ये मेरा ओपिनियन है। और अगर तुम चला सकते हो, ठीक है, अगर तुम्हें प्रैक्टिस करनी है, अगर तुम टूर्नामेंट्स खेलते हो, तो तुम्हें वाली गन की भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि तुम्हें पता नहीं कि कब कौन सी गन मिल जाए। ऐसे भी हो सकता है कि तुम्हें वाली गन मिल जाए, सामने दो तीन बंदे और तुम्हें उसी गन से एक बंदा डाउन करना हो, तुम नहीं कर पाए डाउन, तो फिर तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या क्या सुनना पड़ेगा, क्या क्या फिर तुम्हें थोड़ा फील आएगा कि यार मेरे को प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए इस गन की। फिर तुम ऐसा ना बोलो कि विशाल बोल रहा है, विशाल है कि मैंने वीडियो देखी उसके बाद मैंने गन ही चलाना छोड़ दिया वाली, तो ऐसा सीन नहीं होना चाहिए। तो तुम्हें हर गन की प्रैक्टिस रखनी चाहिए। एंड गाइज, जब हम लास्ट चीज़ की बात करते हैं कि तुम्हें कौन सी गन चलानी चाहिए, तो गाइज मैं ये नहीं बोलूँगा कि तुम्हें M10 चलानी चाहिए, ना ही तुम्हें दो गोली चलानी चाहिए, जिसमें तुम बेस्ट हो, ठीक है, तुम्हें वो चलानी पड़ेगी। और तुम बेस्ट तभी बन पाओगे जब तुम प्रैक्टिस करोगे हर गन की। तो अगर तुम्हें हर गन में लीजेंड बनना है, तो तुम्हें हर गन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि फुल मैप पे तुम्हें कब दो गोली मिल जाए, कब तुम्हें कौन सी अच्छी गन मिल जाए, कब तुम्हें बेकार गन मिल जाए, तुम्हें कुछ नहीं पता, ठीक है। तो SMG की भी तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो गाइज, ये बस मेरा ओपिनियन था कि तुम वाली गन चला सकते हो अगर तुम्हें मिले तो। एंड तुम्हें खुद के अनुसार देखना पड़ेगा कि तुम कौन से गन में बेहतर हो, और उसी गन का तुम्हें यूज़ करना पड़ेगा। और ये बस मेरा एक ओपिनियन था कि तुम वाली गन चला सकते हो। एंड अगर तुम्हें मेरा ओपिनियन अच्छा लगा हो या तुम्हें वीडियो से थोड़ी सी भी मदद मिली हो, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना, क्योंकि आजकल जो अपनी वीडियो है, ठीक है, वो बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं हो रही, रिकमेंड मैं अच्छे से नहीं बोल पा रहा। तो
रिकमेंड नहीं हो रही तो भाई मैं कुछ कर नहीं सकता, बस तुम ही कर सकते हो जो वीडियो को शेयर करके। अगर तुम्हें वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दो। तो अभी के लिए बाय बाय।